टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी टर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं, सोनेट की बात करते हैं। सोनेट जो एक इटालियन वर्ड है, सोनेटो, यह एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, जिसका अर्थ होता है अ साउंड या ए लिटिल साउंड। A sonnet is a short poem of 40 lines. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोनेट वर्ड कहाँ से लिया है, इटालियन वर्ड से लिया है सोनेटो, जिसका अर्थ क्या होता है, ए साउंड होता है, और ये कितनी लाइन की होती है, 40 लाइन की होती है, फिक्स है ये। ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल्स होते हैं इसमें, एंड फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होती है एक सोनेट के अंदर। यहाँ 10 सिलेबल से मतलब है फाइव फुट यूज करते हैं इसमें, जिसको हम कह सकते हैं पेंटामीटर, कि एक सोनेट जो होता है वो पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसकी राइमिंग जो होगी वो पेंटामीटर में होगी, लघु गुरु इस तरीके से 5 फुट होंगे, और 5 फुट को क्या कहते हैं, 10 सिलेबल्स कहते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो टाइप्स एंड राइमिंग स्कीम की बातें करेंगे, द इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट, ये तीनों ही एक नाम है, ये इटालियन, पेट्रार्कन, मिल्टोनिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो होता है ऑक्टेव होता है, सेकंड पार्ट सेस्टेट होता है। ऑक्टेव की जो क्वार्टरेंस होते हैं, क्वार्टरेंस क्या होता है, 4 लाइन का होता है, 4 लाइन्स ईच होते हैं उसमें, तो यहाँ 2 क्वार्टरेंस हैं, क्वार्टरेंस, और इसमें 2 क्वार्टरेंस है, 1 एंड 2। तो इनकी फिक्स राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, ए बी बी ए इस तरीके से। सेस्टेट 6 लाइन का होता है, ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है, ये 6 लाइन का होता है, यहाँ पर 8 लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स ऑक्टेव, एंड सेस्टेट 6 लाइन्स का होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम ये है सी डी ई सी डी ई, सेकंड भी है सी डी सी और सी डी ई डी ई ई, इस तरीके से यहाँ पर ये राइमिंग स्कीम दी गई है। इसको आगे यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये टेरसेट में विभाजित की गई है। टेरसेट जो होता है 3 लाइन्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 टेरसेट्स यूज किए गए। 2 टेरसेट से मतलब हो गया एक 1 टेरसेट 3 लाइन का एंड सेकंड 1 3 लाइन्स का, इस तरीके से यूज किया गया है। नेक्स्ट सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट था द इटालियन पेट्रार्कन या मिल्टोनिक सोनेट। यहाँ जो मिल्टोनिक सोनेट लिखे गए थे वो ही इटालियन सोनेट्स कहलाते हैं, वही पेट्रार्कन सोनेट कहलाते हैं, जिनको देने वाले थे थॉमस व्याट। एंड यहाँ पर जो इंग्लिश सोनेट हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, जिनकी राइमिंग स्कीम जो होती है ये ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ और जी जी, यहाँ पर 3 क्वार्टरेंस हैं, जैसे 1, 2 एंड 3, तो ये हो गए 3 क्वार्टरेंस प्लस अ कंक्लूडिंग कॉपलेट। कंक्लूडिंग कॉपलेट जो लास्ट में एक दोहा दिया हुआ है जी जी, ये होता है, ये राइमिंग जो पैटर्न है वो इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट का है, जो देने वाले थे इसको अर्ल ऑफ सुरे एंड वाट। वाट ने किसको दिया था, मिल्टोनिक सोनेट थे, और अर्ल ऑफ सुरे वाले जो थे वो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कहलाते हैं। इनको लर्न करने के लिए हम कर सकते हैं सुरे एस, और जो व्याट थे डब्लू को एम बना दिया, इस तरीके से लर्न करने का एक तरीका है कि थॉमस व्याट ने जो सोनेट्स दिए थे वो किस पर आधारित थे, उनके जो फॉलो किया था तो मिल्टन ने फॉलो किया था, उन्हीं को क्या कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, उन्हीं का नाम क्या है, इटालियन सोनेट है। अर्ल ऑफ सुरे वाले जो सोनेट्स हैं वो कहलाते हैं इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट, एस एस से हम इसको लर्न कर सकते हैं, जिनकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी है, और जिसमें 3 क्वार्टरेंस एंड अ कंक्लूडिंग कॉपलेट होता है, कॉपलेट को हम कहते हैं दोहा। अब थर्ड जो है वो है स्पेंसेरियन सोनेट, जो स्पेंसर ने लिखे थे,
ए बी ए बी बी सी सी डी ई ई। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, लेकिन यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, लेकिन सेकंड जो क्वाट्रेन है उसमें क्या है, इन्होंने क्या किया सी डी, यहाँ पर बी सी, ये लास्ट वन को रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन सोनेट एंड द स्पेंसरियन सोनेट। तो स्पेंसरियन सोनेट की क्या राइमिंग स्कीम है, ए बी ए बी बी सी सी डी ई ई, यहाँ पर कंक्लूडिंग जो कॉपलेट है वो ई ई पर खत्म होता है, इनका जी जी पर होता है, इस तरीके से है। नेक्स्ट कर्टल सोनेट की बात करेंगे जो हॉपकिंस के द्वारा दिए गए थे, फिक्स है हॉपकिंस, इन्होंने ये लिखे थे। इनकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी ए बी सी डी सी बी डी सी, इस तरीके से यहाँ सेकंड वन दी हुई है ए बी ए बी सी, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी बी सी एंड डी सी दिया हुआ है, इस तरीके से है। ये तीन तीन को लेके चलती है और लास्ट में सेकंड दो ही बचती हैं। हॉपकिंस के जो सोनेट्स हैं वो 10.5 के होते हैं, लेकिन इनका यदि एग्जाम में या तो ये पूछा जाएगा या 11 लाइन्स पूछी जा सकती है। यदि दोनों ही सेंटेंस में दिए हुए हैं तो आंसर ये सही है, और यदि एक दिया होगा, मोस्ट जनरली एक ही ऑप्शंस में दिया हुआ होगा, या तो 10.5 दिया हुआ होगा या 11 लाइन्स दी हुई हैं। यदि दोनों दी हुई हैं तो ये सही है, क्योंकि लास्ट जो लाइन है ये हाफ लाइन है, लास्ट में जो लाइन दी हुई है वो हाफ है, इसलिए इसको 10.5 माना जाता है, लेकिन इनको 11 लाइन्स भी हम मान सकते हैं। आज हमने क्या लर्न किया कि सोनेट जो वर्ड है इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला है, जिसका अर्थ होता है अ साउंड, एंड अ सोनेट इज अ शॉर्ट पोइम ऑफ 40 लाइन्स की पोइम होती है, जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 5 फुट कह सकते हैं, और इसी को हम 5 फुट को कह सकते हैं पेंटामीटर। पेंटामीटर टाइप्स की बात करेंगे, द इटालियन पेट्रार्कन या मिल्टोनिक सोनेट या थॉमस व्याट के द्वारा दिए गए, जिनको फॉलो किया गया था, थॉमस व्याट को वो कहलाते हैं मिल्टोनिक सोनेट, जिनकी फिक्स राइमिंग स्कीम ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है, ऑक्टेव में 2 क्वाट्रेंस होते हैं ए बी बी ए बी बी ए एंड सेस्टेट के 3 6 लाइन जो 3 लाइन्स का एक टेरसेट जो 2 टेरसेट दिए हुए हैं सी डी ई सी डी ई सी डी सी सी डी सी सी डी ई एंड डी ई ई, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ इसको हम कह सकते हैं इनमें थॉट्स में जब परिवर्तन होता है ऑक्टेव और सेस्टेट के, इसको हम कहते हैं एक वोल्टा, एक पूछा जाता है क्वेश्चन वोल्टा कहते हैं, थॉट्स चेंज होते हैं जब ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉज भी कह सकते हैं, एक पॉज आता है और इस पॉज को रुकावट आ जाती है बीच में, और इस पॉज को हम क्या कहते हैं वोल्टा कहते हैं। वोल्टा क्या होता है, एक थॉट चेंज होता है, इसी को हम कहते हैं वोल्टा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वोल्टा इज यूज्ड इन मिल्टोनिक सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, तो कहाँ यूज होगा, मिल्टोनिक सोनेट में। द इंग्लिश सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट जो होते हैं वो किसने दिए, अर्ल ऑफ सुरे ने दिए थे, जिनको फॉलो किसने किया था, ये विलियम शेक्सपियर ने किया था, तो इनका नाम क्या हो गया विलियम, ये शेक्सपियरियन सोनेट कहलाए, जिनको ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी इनकी क्या है राइमिंग पैटर्न है। स्पेंसरियन सोनेट हैं ए बी बी सी सी डी सी डी ई ई हैं, और जो कर्टल सोनेट जो हॉपकिंस ने दिए थे ये ए बी सी डी सी बी डी सी और ए बी सी डी बी सी डी ई डी सी लास्ट में सी, जो एक हाफ लाइन होती है आधी होती है, 10 लाइन्स तो कंप्लीट पूरी होती हैं और लास्ट की जो लाइन होती है वो आधी होती है, जिसका हम कह सकते हैं 10.5 और 11 लाइन्स। थैंक यू।